नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपूत, पादप रोग विशेषज्ञ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस बीमारी के बारे में जिसकी बहुत सारे किसान भाइयों ने शिकायत की है, उनके बहुत सारे फील्ड में आई है। खासकर जो वैरायटी 95-60 है, JS 95-60, उसके अंदर आप देखेंगे तो इस बीमारी को हम राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट नाम का बीमारी कहते हैं। इसके अंदर आप देख पाओगे कि जो पत्तियाँ हैं इनिशियल फेज़ में वो इस तरह से भूरी हो जा रही है और वो धीरे 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 जिस टाइप से आप इस पौधे के अंदर देख पाओगे कि पत्तियाँ जिस तरह से घूम रही है, ऐसी पूरी भूरी होके ऐसे घूमने लग जाती हैं। और इसका आने का जो मेन कारण है वो है अत्यधिक बारिश। और जब अत्यधिक बारिश होता है तो वो पौधे के अंदर जो ससेप्टेबिलिटी पैदा करता है और जो फंगस होगा, जब आप पौधा उखाड़ के देखोगे तो जो नीचे की जो स्किन है रूट जोन की, वो आराम से आपको भूरे कलर की दिखेगी और वो आराम से उतरते हुए दिखेगी। नॉर्मल कंडीशन में ये आपको नहीं दिखेगी और धीरे धीरे जो सेप्रोफाइटिक फंगस है वो इन पौधों में डेवलप होते जाएंगे। इस तरह से आराम से इस बीमारी को आप पहचान सकते हैं। इस बीमारी को रोकथाम के लिए हमारे पास में बहुत सारे फंगिसाइड अवेलेबल हैं, जैसे कि पायरोक्लोस्ट्रोबिन है, उसके कॉम्बी प्रोडक्ट भी है पायरोक्लोस्ट्रोबिन का, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा टेबुकेनाजोल प्लस सल्फर भी है, टेबुकेनाजोल है, या कोई भी एक फंगिसाइड जो नियर बाई आपके अवेलेबल हो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें क्योंकि 9560 बहुत ही ससेप्टेबल वेराइटी है, तो इसमें कंट्रोल उतना अच्छे से नहीं होगा। बाकी जितनी जो वैरायटी है, जो अभी न्यूनतम वैरायटी जो रिलीज़ हुई है, उन सभी वैरायटियों के अंदर बहुत अच्छे से इसका कंट्रोल हो जाएगा अगर आप अप्लाई करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लेट नहीं करता है, अगर इस अवस्था के अंदर पौधा है तो इस अवस्था में आप अप्लाई करते हैं तो इसमें कोई एफिकेसी नहीं आएगी क्योंकि ये पौधा लगभग मर चुके रहेंगे। जब तक आपको हरे पौधे नहीं दिखाई देंगे उसी अवस्था में आपको अप्लाई करना है जब ये बहुत कम हो। धन्यवाद।